जरा तंगड़ी जरा टिक्का जरा मीठा जरा तीखा सभी को प्लेट में एडजस्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रोमाना और आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कड़ी। चिकन कड़ी बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें लगेंगी। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन ली हूँ, 4 प्याज ली हूँ चॉप करके, 3 टोमेटो ली हूँ बारीक काट कर, ये 2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक है, नमक अपने स्वाद अनुसार, ये 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है और ये 3 टेबल स्पून चिकन मसाला है। मैंने एवरेज का ली हूँ चिकन मसाला। यहाँ पे 1/2 कप धनिया ली हूँ गार्निशिंग के लिए और ये तेज़पत्ता और ये दालचीनी ली हूँ और ये तेल लियो 2 टेबल स्पून। तो आइए गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। रखेंगे एक बर्तन और करते हैं फ्लेम को ऑन। अब इसमें डालते हैं ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर इसमें डालेंगे ये हमारा तेज़पत्ता और दालचीनी। गाइस ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं ये तेज़पत्ता और दालचीनी। अब इसमें डालते हैं ऑनियन। प्याज को हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। गाइस हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं टोमेटो। हमारे टोमेटो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको भी कुछ 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। तो गाइस हमारा अदरक लहसुन भी अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें डालते हैं हमारे सारे मसाले, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और ये चिकन मसाला, नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार, और करते हैं इन सबको अच्छे से मिक्स और 1 मिनट तक अच्छे से इसको भूनते हैं। गाइस मसाले को भी मैंने अच्छे से 1 मिनट तक भून लियो, अब हम इसमें डालते हैं हमारा चिकन। चिकन को भी हम लोग अच्छे से 2 मिनट तक भूनेंगे। तो गाइस चिकन को भी मैंने अच्छे से भून लियो मसाले के साथ 2 मिनट तक, अब हम इसको स्लो आंच पे ढककर पकाएंगे जब तक हमारा चिकन टेंडर नहीं हो जाता, और हम इसमें पानी ज़रा भी नहीं डालेंगे, चिकन खुद अपना पानी छोड़ेगा। तो मिलती हूँ आपको 15 मिनट के बाद। 15 मिनट्स हो गए, अब हम देखते हैं हमारा चिकन, देखो कितने अच्छे से हो गया है, तेल भी ऊपर छूट गया है। अब हम इसको करते हैं अच्छे से मिक्स और इसमें हम लोग डालेंगे गर्म पानी कुछ 1 कप। इसको करते हैं अच्छे से मिक्स और इसको फास्ट फ्लेम पे रखते हैं कुछ 10 मिनट तक पकने के लिए। हमारी चिकन करी रेडी है, अब मैं करती हूँ फ्लेम को ऑफ और फटाफट से करती हूँ उसको डिश आउट। जरा तंगड़ी जरा टिक्का जरा मीठा। तो गाइस गर्मा गर्म सर्व हो चुकी है हमारी चिकन कड़ी, तो आप भी अपने घर पे बनाइए और कैसे बन रहा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी अच्छी और इजी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ। और गाइस अब महालदार रेसिपी इंस्टाग्राम पर भी है, तो प्लीज़ जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। तो अब मैं मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।